कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। लोहा बाजार में अगर बात करते हैं टीएमटी के बारे में, लोहा बाजार में अगर टीएमटी सरिया के बारे में बात करते हैं तो टीएमटी सरिया में आज एक बार फिर से गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। इंगट में बाजारों में कल के दिन रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद जो आज गिरावट देखी गई है, बाजार खुलते ही 50,000 का जो लेवल इंगट में देखा गया है, गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, उसको देखते हुए टीएमटी की कीमतों में भी आज हम लोग गिरावट देखकर चल सकते हैं और बाजारों में रिकवरी नहीं आ पा रही है। कितनी गिरावट आई है, किस तरह की कीमतें टीएमटी सरिये में आज चल रही है, इस बारे में हम लोग खबरों में आगे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। तो टीएमटी सरिया के बारे में अगर बात करी जाए तो इंगट को देखते हुए आज इतने ऊपरी स्तर से लगभग 400 से लेकर 500 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। खबरों में जानेंगे मंडी गोविंदगढ़ में कुछ ब्रांडेड कंपनी की लोकल मिलों की आज कीमतों के बारे में, साथ ही बात करेंगे इंगट और स्क्रैप में किस तरह का कारोबार और ट्रेंड चल रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो टीएमटी सरिया के बारे में अगर बात करी जाए, मंडी गोविंदगढ़ में गिरावट आने के बाद भारतम कंपनी का जो रेट चल रहा है वो 57,200 रुपए है। कामधेनु कंपनी की कीमतें 63,851 रुपए बाजारों में देखी जा रही है। K2 कंपनी में टीएमटी सरिया का रेट बाजारों में 62,981 रुपए आप देख कर चल सकते हैं। ज्योति कंपनी के बारे में बात करते हैं, 63,612 रुपए ज्योति कंपनी का रेट चल रहा है। ज्ञान कंपनी में जो टीएमटी सरिया की कीमतें हैं वो 62,800 रुपए है। फॉर्चून कंपनी के बारे में अगर बात करी जाए, टीएमटी सरिया का रेट फॉर्चून कंपनी में 65,199 रुपए है। प्रबल कंपनी में टीएमटी सरिया की कीमतें 62,801 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। दुआवा कंपनी में जो टीएमटी सरिया का रेट है वो 67,200 रुपए है। दीपक कंपनी की कीमतें भी 67,400 रुपए बाजारों में चल रही हैं। जय भारत कंपनी के बारे में बात करते हैं, टीएमटी सरिया का जो रेट चल रहा है वो 60,500 रुपए है। शेर पंजाब कंपनी का रेट 64,411 रुपए है और अंबा कंपनी की कीमतें 60,300 रुपए बाजारों में चल रही है। इसके बाद बात करते हैं इंगट और स्क्रैप के बारे में। तो कल जो बाजारों में रिकवरी आई इंगट का लेवल, उस रिकवरी को देखते हुए 51,000 के पार देखा गया, 51,000 के पार इंगट पहुंच चुका था, लेकिन आज इसमें सुबह बाजार खुलने के साथ गिरावट दर्ज करी गई है और 50,000 के करीब इंगट चल रहा है। एमएस इंगट का जो रेट बाजारों में अभी आप देख सकते हैं 50,400 रुपए है, जिसमें भी 500 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। और एमएस स्क्रैप की जो कीमतें बाजारों में चल रही है जो 41,000 के पार पहुंच चुकी थी, वहां से गिरावट आकर बाजारों में इसका लेवल 39,000 के करीब देखा जा रहा है। तो गिरावट के साथ ही बाजारों में कारोबार हो रहा है। बाजारों में एक तो बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो उस वजह से बाजारों में गिरावट बनी हुई है। बिक्री का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बिक्री का अभाव हो रहा है, इसी वजह से बाजारों में रिकवरी नहीं टिक पा रही है, बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और हमने आपको जितनी भी टीएमटी सरिया कीमतें बताई हैं ये सभी लोकल मिल की कीमतें हैं, लेकिन गिरावट को देखते हुए जो लेवल है बाजारों में 50,000 का जो लेवल है वो खरीदारी करने के लिए अच्छा लेवल है। गिरावट पर आप इसमें टीएमटी सरिये और इंगट और स्क्रैप में जरूरत के हिसाब से निचले स्तर से खरीदारी करके जरूर चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में जो ट्रेंड है वो इस वक्त निगेटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।